Hello and welcome everyone. This is lecture number 11, class 12th mathematics. आज हम start करने जा रहे हैं next topic determinants. I hope आपको matrix topic की सारी video समझ आ गई होगी, क्योंकि determinant वाला जो topic है वो matrix के ऊपर ही dependent है. आपको पीछे से कुछ कुछ चीजें link करनी पड़ेंगी. आइए start करते हैं. इस topic का नाम है determinants. डिटर्मिनेंट्स, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ हम क्यों डिटर्मिनेंट्स को स्टडी करना चाहते हैं. जैसे लास्ट क्लास में, इलेवेंथ क्लास में हमने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, उसके अंदर ये आता है कि हम मीन पढ़ते हैं, मीडियन पढ़ते हैं, ये सारे नंबर्स हम क्यों पढ़ते हैं, इसका रेलिवेंस क्या है. फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, 50-60 बच्चे हैं, एंड किसी एक्सटर्नल पर्सन ने आके पूछा ये क्लास कैसी है, ओवरऑल पढ़ाई में कैसी है, तो कोई भी टीचर ऐसा नहीं करेगा कि क्लास के हर एक बच्चे का नाम बताने लगेगा, हर एक बच्चे के नंबर बताने लगेगा. उसके लिए हम क्या करते हैं, क्लास में एक मॉनिटर बताते हैं जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, और उस क्लास के एवरेज नंबर निकालते हैं, मीन नंबर निकालते हैं कि हाँ इस क्लास के एवरेज बच्चे के नंबर 80 है. इसका मतलब जो एक्सटर्नल पर्सन आता है वो समझ जाता है कि हाँ ये एक बहुत अच्छी क्लास है, इंटेलिजेंट क्लास है. सिमिलरली मैट्रिक्स हमने क्या पढ़ा था, एक टेबल होती है, एक स्ट्रक्चर्ड एरे होता है जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट होते हैं. अगर आपको कोई पूछे मैट्रिक्स के बारे में कि आप मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को बताने के बजाय मैट्रिक्स को एक नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, उस नंबर का नाम होता है डिटरमिनेंट. तो हर मैट्रिक्स के हम एक नंबर एसोसिएट करते हैं, उस नंबर का नाम होता है डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ दैट मैट्रिक्स. तो सबसे पहली चीज है डिटरमिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज ए स्केलर नंबर. ये एक स्केलर नंबर होता है, कॉन्स्टेंट नंबर होता है, ये कोई टेबल नहीं होती, ये कोई एरे नहीं होता, एंड एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी प्रॉपर, वो हो सकता है माइनस हो प्लस हो, बट वो आएगा एक स्केलर नंबर कॉन्स्टेंट. अब सेकंड चीज है डिटरमिनेंट वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स. हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की ही डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल सकते हैं. अगर कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, जिसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर नहीं है, उसकी हम डिटरमिनेंट वैल्यू नहीं निकाल सकते. इसका रीजन क्या है ये मैं आपको कमिंग लेक्चर्स में बताऊंगा, जब प्रॉपर आपकी इसकी अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी. आइए थर्ड डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो डिटरमिनेंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे. सपोज कोई मैट्रिक्स है ए, उसके डिटरमिनेंट को आप तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो. या तो इस तरीके से, इसका मतलब होगा उस डिटरमिनेंट की वैल्यू उस मैट्रिक्स की, या फिर डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, एंड या फिर कई बार आप इस तरीके से भी यूज कर लेते हैं डेल्टा ए. इन तीनों का मतलब है उस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू. तो ध्यान से देख लीजिए, फर्स्ट तरीका है मॉडुलस ऑफ ए, इसका मतलब उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, या फिर हम डायरेक्ट शॉर्टकट में लिख देते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, या फिर डेल्टा ऑफ ए मैट्रिक्स. आइए डिस्कस कर लेते हैं कि डिटरमिनेंट वैल्यू हम कैलकुलेट करते कैसे हैं. सबसे पहले अगर कोई मैट्रिक्स 1x1 ऑर्डर की है, अगर कोई मैट्रिक्स है इस तरीके से 1x1 ऑर्डर की है, इसके अंदर एक रो है एक कॉलम, तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू सिंपल क्या आएगी, जब इसके अंदर एलिमेंट ही एक ही है तो उसको हम उसी वैल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अगर सपोज किसी क्लास के अंदर एक ही बच्चा है तो उस क्लास का एवरेज क्या होगा, उसी बच्चे के मार्क्स. तो सिमिलरली अगर किसी एलिमेंट मैट्रिक्स के अंदर एक ही एलिमेंट है तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, वही एलिमेंट आएगी. अगर कोई 2x2 की मैट्रिक्स है, 2x2 की एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, जिसके अंदर चार एलिमेंट है 2, 3, 4, 5, अब इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं. गाइस ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मोस्ट प्रोबेबली डिटरमिनेंट आपका 6-7 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आता है, एंड कम्पिटेटिव एग्जाम में भी इसकी बहुत हैवी वेटेज है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं. अगर ए मैट्रिक्स से कोई 2x2 की, इसके डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो इसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं डेल्टा ए, एंड इधर भी आपके ब्रैकेट चेंज हो जाएंगे. खास बात ध्यान देने वाली, मैट्रिक्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट देखेंगे आपको, डिटरमिनेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल मॉडुलस वाले ब्रैकेट से, मॉडुलस वाले ब्रैकेट से. देखना आपको क्या करना है, हम यूजुअली डिटरमिनेंट को फर्स्ट रो से एक्सपेंड करना सीखते हैं, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं इसको. तो क्या करेंगे, पहले एलिमेंट के ऊपर आप प्लस साइन लगा दो,
दूसरे एलिमेंट के ऊपर आप माइनस साइन लगा दो, अल्टरनेट प्लस माइनस साइन हम लगाते जाते हैं। अगर यहाँ पे तीन एलिमेंट होते तो प्लस माइनस प्लस ऐसे आता, प्लस माइनस साइन लगा दिया। अब टू वाले एलिमेंट के आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए डायगनल एलिमेंट से, टू इंटू फाइव, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन था, यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन यहाँ पे लगा दीजिए, इस एलिमेंट की मल्टीप्लाई होगी इससे, थ्री इंटू फोर। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, टेन माइनस ट्वेल्व विच इज इक्वल टू माइनस टू। तो इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू है माइनस टू। एक बार फिर से देखिए, फिर से बता देता हूँ, आपने मैट्रिक्स को मॉडुलस फॉर्म में, डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखा, ऊपर वाली रो से आपको इसको एक्सपेंड करना है, अल्टरनेट प्लस माइनस साइन लगाते जाइए, सबसे पहले प्लस फिर माइनस, अगला एलिमेंट होता तो वहां पे प्लस आता, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। इस एलिमेंट की आपको इससे मल्टीप्लाई करनी है, टू इंटू फाइव डायगनली, टू इंटू फाइव, यहाँ पे माइनस का साइन लगा तो माइनस, थ्री इंटू फोर, टू इंटू फाइव टेन, माइनस थ्री इंटू फोर ट्वेल्व, टेन माइनस ट्वेल्व माइनस टू। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, ये मैट्रिक्स है, आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना है। इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे प्लस लिखा फिर माइनस, एक प्लस एक माइनस, ऊपर वाली रो से एक्सपेंड कर रहे हैं, थ्री इंटू माइनस सेवन, थ्री इंटू माइनस सेवन इससे मल्टीप्लाई होगी, अब माइनस का साइन ये वाला यहाँ पे आ गया, फिर आ गया माइनस टू इंटू फाइव, माइनस टू इंटू फाइव। यहाँ एक चीज खास ध्यान देने वाली है, आपको इनको इनके साइंस के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया माइनस ट्वेंटी वन एंड ये हो गया प्लस का टेन विच इज इक्वल टू माइनस इलेवन। तो इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई माइनस इलेवन। आई होप आपको टू बाई टू मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी आ गई होगी। वीडियो को पॉज करें, इसको नोट कर लें, इसके बाद हम सीखने वाले हैं थ्री बाई थ्री के डिटरमिनेंट को कैसे एक्सपेंड करना है, थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालनी। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर थ्री बाई थ्री, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर थ्री बाई थ्री, कोई भी थ्री बाई थ्री की मैट्रिक्स लेते हैं, उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, वन टू थ्री, फोर वन टू, सेवन माइनस वन और एट। ये हमने एक थ्री बाई थ्री की मैट्रिक्स ली, उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा, इसका डिटर्मिनेंट आइए गाइस देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जैसे मैंने आपको लास्ट टू बाई टू मैट्रिक्स में बताया था, फर्स्ट रो लेंगे, फर्स्ट रो ली, अल्टरनेट प्लस माइनस साइन, प्लस माइनस प्लस, ध्यान से दिख, आई होप आपको ये साइन दिख रहे होंगे, पहले एलिमेंट के आगे प्लस माइनस फिर प्लस, अगर फोर्थ फोर बाय फोर का होता तो यहाँ पे माइनस आ जाता, अल्टरनेट आपको प्लस माइनस प्लस चलते रहना है। अब देखिए, जब भी आपको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करना है आप प्लस वन लिखेंगे, प्लस वन के साथ साथ प्लस वन वाली, प्लस वन वाला कॉलम आप छुपा लीजिए, प्लस वन वाली रो आप छुपा लीजिए। आपने प्लस वन वाला कॉलम छुपा लिया, प्लस वन वाली रो छुपा ली, आपको ये चारों एलिमेंट दिख रहे होंगे, ये चारों एलिमेंट जो मैंने डॉटेड बाउंड्री किए ये आपको दिख रहे होंगे, इनकी डिटरमिनेंट वैल्यू आपको निकालनी है, प्लस वन इंटू वन टू माइनस वन एंड एट, प्लस वन इंटू वन टू माइनस वन एंड एट। अब देखिए नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, माइनस टू, ये रहा माइनस टू, माइनस के साइन के साथ टू। अब आप क्या करेंगे, माइनस टू वाला कॉलम छुपा लिया, माइनस टू वाली रो छुपा ली, अब आपको चार एलिमेंट दिख रहे होंगे, फोर टू सेवन एंड एट, माइनस टू वाले कॉलम माइनस टू वाली रो छुपा लीजिए, अब आपको चार एलिमेंट दिख रहे हैं, कौन कौन से, फोर टू सेवन एंड एट, फोर टू सेवन एंड एट। इसके अगला एलिमेंट प्लस के साइन के साथ थ्री, प्लस के साइन के साथ थ्री, क्या करेंगे, सिमिलर मेथड, थ्री वाला कॉलम छुपा लिया, थ्री वाली रो छुपा ली, कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं, फोर वन सेवन माइनस वन, फोर वन सेवन माइनस वन, बस हमारी रो का आखिरी एलिमेंट था, तीन खत्म हो गए। इसके बाद अब आपका काम क्या बचा है, टू बाई टू को डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना, वो आपको बहुत अच्छे से आता है, अभी कि हमने जस्ट यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, वन के साथ वन इंटू एट, वन इंटू एट एट हो गया, वन इंटू एट माइनस यहाँ पे लगे माइनस टू के नाम का, टू इंटू टू इंटू माइनस वन, टू इंटू माइनस वन, ये आ गया माइनस टू, फोर इंटू एट
माइनस माइनस साइन यहाँ पे आ गया, 2 into 7 प्लस 3 into 4 into -1 माइनस के साइन के साथ 1 into 7। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 8 plus 2 10 32 minus 14 is equal to 18, 18 तो -36, ये आएगा प्लस का साइन आपका 3 के साथ, -4 -7 -11 into 3 -33 which is equal to -59। आई होप आपको समझ आया होगा कि 3x3 के डिटरमिनेंट को कैसे एक्सपेंड करना है। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, आपने कोई भी 3x3 मैट्रिक्स देखी उसके डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए डिटरमिनेंट वाले ब्रैकेट में डालिए, मॉडुलस ब्रैकेट में, सीधे सीधे डंडों में, सीधे बार्स में। उसके बाद आप क्या करेंगे, अल्टरनेट प्लस माइनस का साइन लगा दीजिए सबसे ऊपर। पहला एलिमेंट, पहली रो का पहला एलिमेंट 1 है, 1 वाले कॉलम को छुपाओ, 1 वाले रो को छुपाओ, चार एलिमेंट दिखेंगे उनका छुटकू छोटा डिटरमिनेंट बना दो, 1 2 -1 8। उसके बाद -2 इस एलिमेंट के लिए, इस रो को छुपाओ, उस कॉलम को छुपाओ, चार एलिमेंट दिखेंगे, 4 2 7 और 8 4 2 7 और 8 एंड +3 इस कॉलम को, इस रो को, 4 1 7 -1 4 1 7 -1। उसके बाद आप इस छुटकू डिटरमिनेंट को सोल्व कर लेंगे 2x2 को, ये आपने सीख ही लिया है, प्लस माइनस एंड क्रॉस मल्टीप्लाई। उसके बाद आपकी एक फाइनल एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी जिसको हम बोलेंगे इस डिटरमिनेंट की वैल्यू है ये -59। आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं 2x2 मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के ऊपर। एक 2x2 के डिटरमिनेंट की वैल्यू दूसरे 2x2 के डिटरमिनेंट के इक्वल दी हुई है, आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इधर एक्सपेंड करेंगे इधर एक नंबर आएगा, इधर एक्सपेंड करेंगे इधर एक नंबर आएगा, दोनों नंबर्स को इक्वल कर देंगे, वहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इस डिटरमिनेंट को कैसे एक्सपेंड करेंगे, सिंपल प्रोटोकॉल है, पहले प्लस साइन फिर माइनस साइन, 2 into 5 10 -3 into 4 12 ये हो जाएगा प्लस माइनस साइन यहाँ पे, 5 into x 5x -3 into 2x -6x -2 is equal to -x implies x is equal to 2। तो एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन वर्ग मार्क में आपको जरूर दिखेंगे। पिछले 2-3 साल से CBSE में इस टाइप के क्वेश्चन हर बार आ रहा है रेगुलर। आपको छोटे छोटे 2 डिटरमिनेंट दे दिए या मैट्रिक्स कंपेयर करने के लिए बोल दिया, आपको x की वैल्यू निकालनी होगी, x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, -1 1 and sin x ये इक्वल है 3 0 -4 and sin x के इक्वल। x जो है एक रियल नंबर है, x बिलोंग कर रहा है 0 से π/2 दोनों साइड क्लोज ब्रैकेट। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू या फिर वैल्यूज ऑफ x, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो क्या करेंगे हम, इधर वाले डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे एक नंबर आएगा, इधर एक्सपेंड कर देते एक नंबर आएगा, दोनों नंबर को बराबर रख दिया, जो काटा पिटी होगी कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी उससे। चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्लस माइनस इधर एक्सपेंड किया ये कितना आ गया, 2 sin x into sin x 2 sin square x यहाँ पे माइनस है, माइनस ऑफ -1 -1 into 1 -1 आएगा इज इक्वल टू ये आएगा 3 sin x 3 into sin x माइनस जीरो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो जीरो ही आएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2 sin square x इस 3 sin x को इधर ले आए और ये हो जाएगा -1 + 1 = 0। अब एक बहुत ही सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको कोई भी सॉल्व कर सकता है। अगर आप इसको, इसके फैक्टर अगर आपको डायरेक्टली दिख रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं तो आप इसमें क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा लीजिए। ये साइन एक्स के अंदर क्वाड्रेटिक है, साइन एक्स इज इक्वल टू बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अगर आप प्लस का साइन लेंगे तो ये वैल्यू 1 आएगी, माइनस का साइन लेंगे तो ये वैल्यू 1/2 आएगी। अब साइन एक्स की वैल्यू या तो 1 है या 1/2,
साइन एक्स की वैल्यू या तो 1 और साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। एक्स एक रियल नंबर है जो 0 से पाई बाई 2 के बीच में बिलोंग कर रहा है। 0 से पाई बाई 2 क्लोज ब्रैकेट, साइन एक्स की वैल्यू 1 कहाँ पे आती है? जब एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 हो। 1/2 कब आती है? जब एक्स की वैल्यू पाई बाई 6 हो या फिर 30 डिग्री पे। तो हमारे पास एक्स की दो वैल्यू आ गई, पाई बाई 2 और पाई बाई 6, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, इसका मतलब ए बी सी जो है किसी एक ट्रायंगल के एंगल है जिनका इंटीरियर एंगल का सम है पाई या फिर 180 डिग्री। आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बतानी है। साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, साइन बी साइन सी माइनस साइन बी जीरो, टेंजेंट ए, कोस ए प्लस बी माइनस टेंजेंट ए एंड जीरो। तो हम क्या करते हैं, सिंपली सबसे पहले तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जहां भी लिखी है डबल एंगल को सिंगल एंगल कन्वर्ट कर लेते हैं एंड उसके बाद इसको एक्सपेंड कर लेंगे। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मैं रख देता हूँ पाई इस इक्वेशन को यूज करके। तो पहला एलिमेंट हो गया साइन पाई, ये हो गया साइन पाई। साइन बी को एज इट इज रहने देता हूँ और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। सिमिलरली साइन सी को भी, माइनस साइन बी भी एज इट इज रहने दो। फिर ये हो जाएगा जीरो, टेंजेंट ए, टेंजेंट ए, कोस ए प्लस बी, ए प्लस बी की वैल्यू आप कितने रख सकते हैं, पाई माइनस सी, ये हो जाएगा कोस पाई माइनस सी माइनस टेंजेंट ए एंड यहाँ पे जीरो। देखो इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। कोस एक प्रॉपर्टी होती है, कोस पाई माइनस एनी एंगल इज इक्वल टू माइनस कोस ऑफ दैट एंगल, बिकॉज आप पाई में से कुछ ना कुछ घटाएंगे तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा एंड सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर लेते हैं, कोस पाई माइनस सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोस सी। एक बार नोट कर लीजिए, मैं इसको रब कर देता हूँ साथ साथ, ये हो जाएगा माइनस ऑफ कोस सी। अब क्या करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हम, ये आप इसको डायरेक्टली एक्सपेंड कर लेते हैं यूजिंग फर्स्ट रो। फर्स्ट रो को यूज करके इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस साइन लगाए। अच्छा, साइन पाई की वैल्यू भी आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। साइन पाई कितना होता है, जीरो। साइन पाई की वैल्यू भी हमने रख दी जीरो, साइन 180 डिग्री जीरो होता है। एक्सपेंड कर लेते हैं, जीरो इंटू ये छोटा डिटर्मिनेंट, इस छोटे डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम देख लो डायरेक्ट निकालेंगे। जीरो वाला कॉलम छुपा लो, जीरो वाला रो छुपा लो। यहाँ पे आपको प्लस माइनस साइन मन मन में दिखना चाहिए। आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपको डिटर्मिनेंट डायरेक्ट एक्सपेंड करना आ जाए। देखो ये वाला एक्सपेंड, ये हाइड कर लिया, जीरो इंटू जीरो माइनस टेंजेंट ए इंटू माइनस टेंजेंट ए, जीरो प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। इसके बाद आएगा माइनस साइन बी, माइनस साइन बी ध्यान से देखना, ये हमने कॉलम छुपा लिया, ये रो छुपा लिया। माइनस साइन बी इंटू जीरो इंटू माइनस कोस सी माइनस टेंजेंट ए, माइनस साइन बी इंटू जीरो माइनस टेंजेंट ए इंटू माइनस ऑफ कोस सी। हमने सेकंड कॉलम छुपाया, सेकंड रो छुपाई, ये चार एलिमेंट दिखने चाहिए, एलिमेंट नंबर 1, 2, 3 और 4। इसकी इससे मल्टीप्लाई होती है 2/2 वाले में, माइनस ये इंटू ये होता है, माइनस साइन बी इंटू जीरो माइनस ऑफ टेंजेंट ए इंटू माइनस कोस सी। अब प्लस साइन सी, प्लस साइन सी इंटू ये वाला कॉलम छुपा लो, ये वाली रो छुपा लो। अब आपको चार एलिमेंट दिख रहे होंगे, माइनस साइन बी इंटू माइनस टेंजेंट ए माइनस माइनस कोस सी इंटू जीरो, माइनस साइन बी इंटू माइनस टेंजेंट ए एंड उसके बाद माइनस कोस सी माइनस जीरो, जीरो ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। ये देखो जीरो को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे जीरो, ये हो जाएगा जीरो एंड ये हो जाएगा आपका प्लस टेंजेंट ए इंटू कोस सी माइनस साइन बी, बार है टेंजेंट ए इंटू कोस सी, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस साइन सी साइन बी एंड टेंजेंट ए, साइन सी साइन बी एंड टेंजेंट ए। अब आप इसकी वैल्यू चेक करेंगे तो ये वैल्यू आपको जीरो आती हुई दिखेगी। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। प्लीज एक बार इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, अगर कोई भी डाउट है तो वीडियो को रीप्ले करके आप फिर से चेक कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई एक सिंपल चीज दी हुई थी, उसके बाद मेन काम है आपको डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना। आपके सामने एक और क्वेश्चन है,
डेल्टा इज इक्वल टू वन साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा वन साइन थीटा माइनस वन माइनस साइन थीटा एंड वन माइनस वन माइनस साइन थीटा एंड वन। आपको इसकी रेंज निकालनी है। क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ डेल्टा। रेंज का मतलब आपको इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है एंड उनके बीच में कितनी वैल्यूज ये ले सकता है, आपको डेल्टा की वो सारी वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम डेल्टा को एक्सपेंड कर लेते हैं, सिंपल सिंप्लीफाई करते हैं इसको। सबसे पहले प्लस का साइन माइनस का साइन प्लस का साइन प्लस का वन, सबसे फर्स्ट एलिमेंट पहला कॉलम छुपाया, पहली रो छुपाई, ये छोटा डिटरमिनेंट बचेगा चार वाला, इसको सोल्व करते हैं। वन इंटू वन वन इंटू वन वन माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, वो माइनस माइनस हो जाएगा, वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस आएगा, माइनस माइनस साइन थीटा इंटू, ये आपने ये कॉलम छुपा लिया, ये रो छुपा लीजिए, माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा इंटू वन, ये हो जाएगा प्लस का साइन थीटा माइनस इंटू माइनस साइन थीटा, प्लस वन करेंगे तो माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस वन, ये आ गई आपकी डेल्टा की वैल्यू। अब आपको डेल्टा को सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस साइन माइनस साइन थीटा जीरो, जीरो इंटू साइन थीटा जीरो, और ये हो जाएगा वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये टोटल हो जाएगा आपका टू प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा। आपको डेल्टा की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। डेल्टा की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू डिपेंड करेगी थीटा के ऊपर। अब देखिए यहाँ से टू कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा। डेल्टा की मैक्सिमम वैल्यू जब आएगी, जब ये वाली चीज़ मैक्सिमम हो, ये वाली चीज़ जब मैक्सिमम होगी, जब ये वाली चीज़ मैक्सिमम होगी, साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है वन होती है, तो डेल्टा मैक्सिमम कितना आ जाएगा, टू इंटू वन प्लस वन, टू इंटू टू फोर। अब आपको निकालना है डेल्टा मिनिमम। देखिए ये वाली चीज़ मिनिमम जब होगी, जब ये वाली चीज़ मिनिमम होगी, ये वाली चीज़ मिनिमम जब होगी, जब ये वाली चीज़ मिनिमम होगी, साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, जीरो। गलती से आप इसको माइनस वन मत कर देना, बिकॉज माइनस वन मिनिमम वैल्यू साइन थीटा की होती है, साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, जीरो। तो डेल्टा मिनिमम वन प्लस जीरो वन, टू इंटू वन टू, तो ये आपका आंसर, डेल्टा की मैक्सिमम वैल्यू फोर, डेल्टा की मिनिमम वैल्यू टू। आई होप आपको डिटर्मिनेंट्स का बेसिक फंडामेंटल समझ आया होगा। इसके आगे वाले टॉपिक हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक कॉमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।